हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बॉक्रिकेशंस। कैसे हो आप सब? आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश कोर की दो रेफरेंस बुक्स का रिव्यू, एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर्स और अरहन की ऑल इन वन। आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों बुक्स का करूँगा कंपैरिजन, आपको बताऊँगा कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट हो। इंग्लिश कोर काफ़ी ज़्यादा अंडर रेटेड सब्जेक्ट रहता है क्लास 12 में, क्योंकि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं वो मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पे फोकस करते हैं। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं। रह जाते हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश कोर पर शुरू से ही फोकस करते हुए चलते हैं। हालांकि तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स भी मानते हैं कि इंग्लिश कोर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वही सब्जेक्ट है जिसमें अगर स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म ना करें तो उनका जो एग्रीगेट है वो काफ़ी डाउन जा सकता है। इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि हम इंग्लिश के लिए भी शुरुआत से प्रैक्टिस करते हुए चले। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन दोनों बुक्स में से आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए जिससे कि आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज आपके लिए आगे भी बनती रहें। तो दोस्तों, दोनों बुक्स को हम कंपेयर करते हैं सेक्शन वाइज, जिससे हमें पता चल जाए कि किस बुक का कौन सा सेक्शन अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल इन वन इंग्लिश कोर के पहले सेक्शन को, जो कि है रीडिंग का। इस बुक को लिखा है गजेंद्र सिंह ने, अरहन प्रकाशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। कंटेंट्स पर अब मूव नहीं कर रहे, ये पहला सेक्शन और रीडिंग का, जिसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको कुछ बेसिक सी थ्योरी मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पैसेजेस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ पैसेजेस। सैम्पल पैसेजेस मिलेंगे आपको, इसमें आपको पैसेजेस के आंसर्स गिवन है। फिर इसके बाद आपको ये एग्जाम प्रैक्टिस का कॉलम मिलेगा, जिसमें आपको जितने भी पैसेजेस मिलेंगे उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अनसॉल्व फॉर्म में आपको पैसेजेस जो मिलते हैं वो सेल्फ असेसमेंट के कॉलम में मिलते हैं, ये पैसेज वन, और इन सभी के आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। फिर दूसरा चैप्टर है इस सेक्शन का, नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। आपको बताया जाएगा कि आप कैसे इफिशियंट और इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो, एब्रिवेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग द नोट्स आउट ऑफ द पैसेजेस, और आप पैसेजेस का एक इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन यानी कि समरी कैसे लिख सकते हो। फिर सैम्पल पैसेजेस आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको सेल्फ असेसमेंट और एग्जाम प्रैक्टिस का कॉलम मिलेगा। तो ये पैटर्न रहता है ऑल इन वन का, और हर एक सेक्शन के बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। रीडिंग के सेक्शन के बाद आपको इस बुक में टोटल 3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें आपको पैसेजेस भी मिलेंगे और नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं रीडिंग सेक्शन एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर्स का। तो ये लिटरेचर कंपेनियन इस बुक के साथ फ्री आती है। इस बुक का बाद में हम रिव्यू करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसका रीडिंग सेक्शन दिखा देता हूँ। तो रीडिंग सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर्स में आपको मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें आपको बताया जाएगा रीडिंग दी पैसेज, टाइप्स ऑफ पैसेजेस, 3 प्रकार के पैसेजेस होते हैं, फैक्चुअल, डिस्कर्सिव, रिफ्लेक्टिव, लिटरेरी। और आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे कि ये टाइप 1 फैक्चुअल पैसेजेस, आपको ये पहले पैसेज पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ये पहला टेस्ट असाइनमेंट है, इसमें आपको ये पैसेज पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चंस गिवन है वो उनके आंसर्स आप जो ये आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे लिख सकते हो। उसी तरह से आपको ये दूसरा टेस्ट असाइनमेंट मिलेगा। अब मैं आपको नोट मेकिंग और एब्स्ट्रैक्शन का भी चैप्टर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अरहन की ऑल इन वन में हमें ज़्यादा थ्योरी मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एज कम्पेरिजन टू दिस, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये बुक ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जितने भी पैसेजेस मौजूद हैं वो अनसॉल्व फॉर्म में हैं। हालांकि कुछ स्टार्टिंग में आपको सॉल्व फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको अनसॉल्व फॉर्म में मिलेंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको। तो ये दूसरा चैप्टर है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, इसमें आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स मिल जाएगी, और ये आपको सैम्पल पैसेजेस मिलेंगे नोट मेकिंग के लिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखो तो एवरग्रीन के प्रैक्टिस पेपर्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज कम्पेरिजन टू दिस। और बात की जाए अगर बेसिक डिटेल्स की, मतलब थ्योरी की, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है अरहन की ऑल इन वन में। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं राइटिंग स्किल्स के सेक्शन को। इसमें आपको सबसे पहला जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा शॉर्ट कंपोजिशंस का, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, डिजाइनिंग पोस्टर और ड्राफ्टिंग पोस्टर, ये सभी चीज़ें मिलेंगी, ये सभी एडवर्टाइजमेंट हैं। और ये फिर आपको टेस्ट असाइनमेंट यानी कि ये प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे, ये फ्री एडिशन एक्सरसाइज है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी।
फिर नोटिसेस आपको मिलेंगे, नोटिस का फॉर्मेट मिलेगा, कैसे आप नोटिस लिखते हैं वो बताया जाएगा, सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे। और उसके बाद आपको जो थर्ड चैप्टर मिलेगा इसमें वो आपको मिलेगा पोस्टर्स, उससे पहले आपको ये एडिशनल एक्सरसाइज मिलेगी नोटिस के क्वेश्चंस की, इनविटेशन एंड रिप्लाइज। तो इसमें काफ़ी अच्छे से आपका राइटिंग स्किल्स सेक्शन कवर किया गया है, आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स भी मिलते हैं और फॉर्मेट वगैरह भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप जान सको अगर फॉर्मेट नहीं जानते हो किसी भी राइटिंग स्किल्स के टॉपिक का। फिर आपको लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर मिलेगा, वही लॉन्ग कंपोजिशन में आपको डिबेट, स्पीच और आर्टिकल मिलेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है इस बुक का कि ये प्रैक्टिस पेपर्स है, इसलिए इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिलता है और ये स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आप इन्हीं पेजेस पे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सको और प्रैक्टिस कर सको। अब हम देख लेते हैं राइटिंग स्किल्स के सेक्शन को अरहेंट ऑल इन वन में, वो कैसा गिवन है। राइटिंग स्किल्स के सेक्शन का पहला चैप्टर है ये एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको काफ़ी अच्छी थ्योरी मिलेगी, आपको बताया जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बीच बीच में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे सॉल्व फॉर्म में, इसके साथ साथ आपको इस सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। नोटिस, इसमें आपको बताया जाएगा नोटिस के पार्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नोटिस, पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग नोटिस, फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। तो दोस्तों अगर आप कंपेयर करें दोनों बुक्स की कंटेंट को राइटिंग स्किल्स में, तो दोनों का कंटेंट लगभग सेम है, बस बात इतनी रहती है कि अरहंत ने ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है, तो वहीं एवरग्रीन ने हमें ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया है। हालांकि इसमें भी प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाता है, लेकिन एक वो क्रंच नहीं आता जो हमको एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर्स में मिलता है। इसमें जो हमें स्पेस मिलता है क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए, उसकी बात ही अलग है। और उसमें जितनी भी चीज़ें गिविन है वो ज़्यादातर अनसॉल्व फॉर्म है, जैसे कि हम खुद से प्रैक्टिस कर सकें। तो वहीं आप अरहंत में देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें आपको सॉल्व फॉर्म में मिलेंगी, तो इससे आपकी प्रैक्टिस पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम देख लेते हैं सबसे मेन पोर्शन को, जो कि है लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स का। मैं आपको पहला चैप्टर मिलेगा द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट, चैप्टर स्केच मिलेगा, अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द ऑथर, समरी ऑफ द चैप्टर, उसके बाद आपको मिलेंगे वर्ड मीनिंग्स, देन NCERT फोल्डर, NCERT टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं उन सबके डिटेल्ड आंसर्स, फिर एग्जाम प्रैक्टिस का कॉलम आपको मिलेगा, एंड देन आफ्टर यू विल फाइंड सेल्फ असेसमेंट कॉलम, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन ये थर्ड चैप्टर डीप वाटर। तो दोस्तों ये लिटरेचर का पोर्शन रहता है ऑल इन वन का। मैं आपको एक पोएम का चैप्टर भी दिखा देता हूँ, जिससे आप जान जाओ कि पोएट्री कैसे गिवन है इस बुक में। रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन मिलती है पोएम की, उससे पहले आपको साइड में अबाउट द पोएट, पोएम आउटलाइन, ये सभी चीज़ें मिलेंगी और वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे, NCERT फोल्डर मिलेगा। तो यही पैटर्न आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद आपको मिलेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, इसके साथ साथ कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, और जो लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर रहा है इंग्लिश कोर का 2019-20 सेशन का, वो आपको सॉल्व फॉर्म में मिल जाएगा, और 2020 ऑल इंडिया और दिल्ली का CBSE क्वेश्चन पेपर भी इस बुक में मौजूद है। तो दोस्तों ये आ जाता है सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, इसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट, इसमें आपको समरी के बजाय मिलते हैं टेक्स्चुअल नोट्स, जैसे आप मतलब अभी एक चैप्टर पढ़ के चुके हो NCERT टेक्स्ट बुक से, देन आप इन नोट्स के थ्रू अपना रिविजन कर सकते हो। फिर आपको एवरग्रीन टेस्ट असाइनमेंट मिलेगा, और ये एवरग्रीन टेस्ट असाइनमेंट 2, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट में आपको इसमें मिलते हैं 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर 3 है। तो दोस्तों लगभग दोनों बुक्स का कंटेंट सेम है, और हाँ मैं आपको इसकी एक लिटरेचर कंपेनियन जो इन प्रैक्टिस पेपर्स के साथ आई है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये पहला चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट, सबसे पहले आपको अबाउट दिस स्टोरी, फिर इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर आपको अबाउट दी चैप्टर और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, उनका कैरेक्टर स्केच, जैसे कि एम हैमेल फ्रेंड्स, और फिर आपको थीम ऑफ दिस स्टोरी, टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, और इस स्टोरी से क्या मैसेज निकल के आता है वो आपको बताया गया। फिर एक्सट्रैक्ट्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको पैसेजेस मिलेंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इसके बाद आपको NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व फॉर्म में, ये टेक्स्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं।
और दूसरा चैप्टर इसमें आपका लॉस्ट स्प्रिंग। एक चैप्टर में आपको पोएट्री का भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप ओवरऑल ये जज कर पाओ कि किस बुक का कंटेंट लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स के मामले में अच्छा है। दोस्तों ये फोर्थ चैप्टर खुला है थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इसमें आपको अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, फिर पोएम के बारे में आपको बताया जाएगा, पोएम की समरी मिलेगी, और आपको द यूज़ ऑफ एलिगोरी, थीम, राइम सीन और आपके स्टेंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ग्लॉसिस भी आपको मिलेंगी। लेकिन दोस्तों इसमें आपको अरिहंत ऑल इन वन की तरह स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। तो ऑल इन वन का एक वो काफ़ी अच्छा फीचर है, जिसमें आपको प्रोस के चैप्टर्स की एक अच्छी समरी गिवन है। इसके साथ साथ आपको पोएट्री में स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन मिलती है, आपको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, और इसमें आपको उतने क्वेश्चंस भी नहीं मिलते जितने कि आपको अरिहंत ऑल इन वन में मिलते हैं। तो दोस्तों रीडिंग और राइटिंग के सेक्शन में एवरग्रीन के प्रैक्टिस पेपर्स अरिहंत ऑल इन वन को ओवरटेक कर देते हैं। वहीं अगर आप लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स पर मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर्स को ओवरटेक कर देती है ऑल इन वन। ऑल इन वन का जो लिटरेचर पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस है। तो दोस्तों अब आप मुझसे ओवरऑल पूछें कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये आपकी सुटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश को टाइम दे सकते हो, मतलब आप इस मूड में हो कि इंग्लिश की आप फुल फ्लैश पाई करोगे, तो आप एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर्स लीजिए। वहीं अगर आप केवल और केवल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, आप ये सोच के बैठे हो कि एग्ज़ाम से जस्ट 10 to 15 days पहले मैं इंग्लिश उठाऊंगा, देन इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो ऑल इन वन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बात रही प्राइस की, तो ऑल इन वन की प्राइस है 415, वहीं एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर्स की है 590। तो ऑल इन वन ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो ओवरऑल रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि आप ऑल इन वन के साथ जाएं। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, आप अच्छे से टाइम दे सकते हो इंग्लिश कोर्स को, तो आप एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो सभी चीज़ें मिल सकें जो आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।